बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं बकौल उनके, क्योंकि मैं तो उनको मुफ्ती मानती नहीं हूँ, कि मुफ्ती ऐसे काम कर ही नहीं सकता। उनको जो रहीम शाह है उससे थप्पड़ पड़ा है ज़ोरदार, और साथ उनका कहना है कि थप्पड़ के अलावा एक करारा मशकारा, एक जूता भी पड़ा है उनको, कि ये उसके साथ कोई गलत किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो जो हरीम शाह है उसको पसंद नहीं आई तो उसने इनको थप्पड़ मारा है। और बीच की अंदर की बात ये है कि ये जो है अब्दुल कवी, ये लोगों को बताता जा रहा था, बोल रहा था मुख्तलिफ जगहों पे कि हरीम शाह जो है वो मेरे निकाह में है, जैसे ये करते हैं कि निकाह तो इनके लिए तो 100 कर लें, 100 की इजाज़त है, मोतली इनसे तरीका ले लें ये मतलब। और ये बोल रहे थे कि मैं रेड कलर की शराब पीता हूँ, मेरे ब्रीफ केस के अंदर सिगरेट हैं 4-5, जिसमें 4-5 मुख्तलिफ किस्म के नशे भरे हुए हैं सूटा लगाने के लिए। तो ये इसको अब लोग जो इसको मुफ्ती वगैरह बोल रहे हैं ना, वो मुफ्ती का नाम इसके साथ से हटा दें, ये गुनाह हो रहा है आपको। क्योंकि जो है आलमे दीन उसका तो काम है कि बुराई से रोकना और कोई ऐसी बात ना करना, आलमे दीन कैसे शराब पी सकता है या कैसे ये मुख्तलिफ किस्म की औरतों के साथ जाके वीडियो बनाएगा, टिकटॉक पे करेगा और नहरे दिखाएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा ये बुड्ढा सतरंगिया। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती इसको क्यों मुफ्ती बोल रहे हो, आलमे दीन इसको ये वो आलमे दीन। ये एक वो है चोला पहना हुआ है, इसने चोला पहना हुआ है और क्लेम अपने आप की तरफ से कर रहा है कि मैं आलमे दीन हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। मुफ्ती ऐसा नहीं हो सकते, और इसको एक नहीं इसको 100 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। कभी इसकी कहीं से स्टोरी निकलती है, कभी कहीं से निकलती है, बुड्ढा सतरंगिया पता नहीं कब चुप करके बैठेगा।